हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र और इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं HTML के ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको HTML की इंट्रोडक्शन दूंगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या है और किस लिए यूज़ होती है। HTML बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे ये देखिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ओपन करके रखी है। ये देखिए, मैंने ये वेबसाइट ओपन करके रखी है आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए HTML आना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का जो बेस है वो HTML है। विदाउट HTML कोडिंग हमारी कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। तो HTML के इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको मैं वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ सिंपली, कि वेबसाइट में क्या क्या होता है। जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन करके रखी है, तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वेबसाइट्स में क्या क्या होता है। नॉर्मली वेबसाइट्स में एक हेडर होता है जो उसका वेबसाइट का ऊपर वाला पार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आ रहा है, ये एक ऐड आ रही है, इसे आप इग्नोर कीजिए। वेबसाइट में हेडर में क्या होता है, बेसिकली लोगो होता है और कुछ मेन्यूज होते हैं, जैसे कि ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, हम माउस लेकर आ रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे एक है ड्रॉप डाउन, एक मेन्यू ओपन हो रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया होता है कि इसमें हमारा ये मैटर है। जैसे ये वीडियो है, यहाँ पे उन्होंने एक मेन्यू बनाया है वीडियो का, इसमें सारा वीडियो के रिलेटेड मैटर रखा हुआ है। जैसे उन्होंने यहाँ पे देखिए कैटेगरी न्यूज़ है, तो न्यूज़ की एक कैटेगरी बनी है, तो यहाँ पे न्यूज़ के रिलेटेड सारा मैटर होगा। और यहाँ पे अगर हम कंट्री वाइज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज आ रही हैं, उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ये लिंक्स बने हुए हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो ये सारा कुछ जो आता है नॉर्मली हेडर में आता है, लेकिन आप वेबसाइट में जहाँ आपका दिल करे आप उस चीज़ को वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैटर ही मैटर है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो वेबसाइट डेवलपर है, जो वेबसाइट बनाना चाहता है, वो इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है कि मैं इस पार्ट को कैसे लूँ। जैसे कि इसमें इसके दो कॉलम लूँ या तीन कॉलम लूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में उन्होंने एक लेफ़्ट साइड बार रखी है, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक राइट साइड बार है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप चाहें तो इसे सिंपल एक ही कॉलम ले सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा मैटर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या दो की बजाय आप तीन कॉलम में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पे है, कैसे हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कैसे यूज़र को चाहिए। और नॉर्मली उसके बाद लास्ट में आ जाता है फुटर। फुटर पे भी हम लोग लिंक्स वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे साइट मैप, फीडबैक, अबाउट अस, कैरियर्स, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ कॉपीराइट का हम मैटर लिख सकते हैं आप। तो नॉर्मली एक वेबसाइट में यही कुछ होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, और सेंटर में एक मैटर होता है, जो जो आप चाहते हैं, इमेजेस हो सकते हैं या नॉर्मल मैटर हो सकता है, मेन्यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको HTML आना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ HTML आना ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये जैसे देखिए, आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, व्यू पेज सोर्स। तो आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे HTML की या और भी की कोई लैंग्वेज इसमें यूज़ की हो, जैसे PHP या और कोई लैंग्वेज, तो उसकी भी आपको साथ में कोडिंग शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अभी कोडिंग समझ नहीं आएगी। सिंपली ये मैटर है और कुछ टैग्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि HTML में हम सारा काम टैग्स में करते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये देखिए HTML, ये HTML का टैग है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पेज के टॉप पे, और लास्ट में अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, HTML का ये टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है। ऐसे ही जो सारे के सारी ये कोडिंग है, जो हमारा ये पेज बना है जिसे हम बोलते हैं वेब पेज, ये सारे ऐसे ही कोडिंग करके बनते हैं। मैंने इसे वेब पेज इसलिए बोला क्योंकि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मीन्स वेबसाइट एक कैसे बनती है, नंबर ऑफ वेब पेजेस को इकट्ठा करके। जैसे मैंने ये वेबसाइट जब ओपन की थी तो हमारा सबसे पहले ये पेज ओपन हुआ था। इस पेज, जो पेज हमारा वेबसाइट का सबसे पहला ओपन होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। अगर वैसे हम इसे बोलें तो ये क्या है, एक वेब पेज। नॉर्मली वेबसाइट में क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, ये भी आपको सिंपल नज़र आता होगा, लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ तो हमारा जो कर्सर है वो हैंड की शेप में आ रहा है।
जब भी कर्सर हैंड की शेप में आए तो इसका मतलब है कि ये एक हाइपर लिंक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसकी तरह ये एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा। ये देखिए हमें ये दूसरे वेब पेज पे ले गया, और इसी वेब पेज से हम किसी दूसरे पेज या तीसरे पेज पे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए इस यहाँ पे हम मेन्यू में जाकर किसी पेज पे क्लिक करते हैं, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये मुझे किसी तीसरे पेज पे ले गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अभी आपके सामने तीन वेब पेज ओपन किए हैं आपको शो करने के लिए कि वेबसाइट क्या है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इस वेबसाइट में मेरे ख्याल से 50 या 100 से भी ज़्यादा पेजेस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट में नॉर्मली क्या होता है, और एक जो करंट पेज ओपन होता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं, और सारी की सारी वेबसाइट कैसे बनती है नंबर ऑफ वेब पेजेस को इकट्ठा करके। तो मैं आपको ये इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ HTML की। HTML stands for Hyper Text Markup Language। मैंने आपको ये वेबसाइट इसलिए शो की ताकि आपको इस HTML के फुल फॉर्म का पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। अब आपको समझने में इजी होगा। जैसे ये देखिए Hyper Text Markup Language में टेक्स्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट। जैसे आप देखते हैं ये मैंने वेब पेज ओपन किया था तो ये क्या है, सिंपल एक टेक्स्ट है। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, हाइपर टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको अभी हाइपर लिंक के बारे में बताया था, ये देखिए ये भी है, भी ये भी एक टेक्स्ट की तरह ही है सीजन व्यू। लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ तो मेरा हैंड के जो मेरा कर्सर है वो हैंड की शेप में आ रहा है। इसका मतलब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक हाइपर टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसलिए इसका मतलब यहाँ पर HT का मतलब है हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। HTML में सारा का सारा काम टैग्स में होता है। जैसे अभी मैंने आपको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे गया था तो आपको शो किया था, ये देखिए ये टैग्स हैं, ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट में बंद हुआ, ये देखिए। और एक और टैग बताता हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कहीं पर ये टैग क्लोज भी हो रहा होगा, ये देखिए हमारे यहाँ पे हेड टैग क्लोज हुआ है। तो HTML में कोई भी जो टैग है वो हम उससे स्टार्ट करते हैं तो उसे हम साथ साथ क्लोज भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि HTML में सारा का सारा काम टैग्स में होता है। तो हम वो टैगिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम उसे मार्क करते हैं। और यहाँ पे मार्कअप का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए हमने वेब पेज ओपन किया था एक, तो उसमें क्या आ रहा था, ये देखिए सिंपल टेक्स्ट आ रहा था। यहाँ में हम HTML की कोडिंग में हम क्या करते हैं, उसे बताते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है कैसे शो हो, हम उसे मार्क करते हैं। जैसे ये देखिए ये टेक्स्ट जो आ रहा है यह थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ रहा है, और ये जो नज़र आ रहा है वो सिंपल नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से मार्क किया है इसे कि ये जो करंट टाइम है ये हमारा थोड़ा बोल्ड में नज़र आए। इसके स्टार्टिंग में हम एक टैग लगाएंगे और यहाँ पे एक क्लोज कर देंगे जिससे कि ये मार्किंग हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा टेक्स्ट बोल्ड नज़र आए और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट सिंपल नज़र आए। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मार्कअप। और लैंग्वेज इसे क्यों बोलती हैं, क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज की तरह इसकी भी एक अलग कोडिंग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं टेक्स्ट अगर बोल्ड चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसकी कोडिंग करूँगा। इसकी कोडिंग कैसे होती है, टैग्स के ज़रिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्कअप से लेकर हमारा वेब पेजेस तक का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आए। इसमें मैं अगर करना चाहता हूँ, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया है, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे बोल्ड के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। HTML में हम क्या करते हैं, उसे टैग्स के ज़रिए करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर HTML में इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ मार्कअप से लेकर, तो मैं करूँगा क्या करूँगा, एंगल ब्रैकेट से इसका टैग स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, ये बोल्ड के लिए यूज़ होता है, और एंगल से मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने ये बोल्ड का जो टैग है वो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि मार्कअप से लेकर वेब पेजेस तक का हमारा टेक्स्ट बोल्ड आए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बी टैग मैं वैसे का वैसे ही लिखूँगा
और यहाँ पे मैं एक बैक स्लैश लगा दूंगा जहाँ से पता चलेगा कि हमारा ये टैग ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमारा टैग क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं इसे ब्राउज़र पे देखूंगा ऐसे कोडिंग करके, तो मेरा क्या आएगा, ये द मेरा सिंपल आएगा और मार्कअप से लेकर वेब पेजेस तक का जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आएगा, और उसके बाद वर्ड्स का, वर्ड से लेकर ये यूज़र तक का जो टेक्स्ट है वो भी नॉर्मल नज़र आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस HTML में इसकी मार्किंग करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे मार्कअप लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको HTML इंट्रोडक्शन मिल गई कि HTML का मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। इसका मतलब है कि ये एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है वेब पेजेस को यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट, मतलब कि सिंपल टेक्स्ट नहीं है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमें देखने में सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट, जैसे मैंने अब इसका व्यू सोर्स करके बताया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, इसमें टैग्स ही टैग्स यूज हुए हैं। ठीक है, द मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज वर्ड एंड इमेजेस फॉर द यूज़र। मतलब ये जो मार्कअप टैग्स हैं ये वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि जो हमारा उस हम वेब पेज में जो टेक्स्ट या इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो कैसे शो हो। जैसे ये अभी मैंने आपको करके बताया था कि ये हम अगर बोल्ड में चाहते तो मैं टैग्स में लिख दूंगा बी और बी टैग यहाँ पे बंद कर दूंगा, तो ये वेब ब्राउज़र को बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट है जो वो बोल्ड नज़र आए और बाकी सिंपल नज़र आए। उसके बाद है, एवरी वेब पेज इज़ एक्चुअली अ HTML फाइल। मतलब कि हमारा जो वेबसाइट में वेब पेज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये मेरा एक करंट वेब पेज ओपन है, तो ये क्या है, एक HTML फाइल है। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं पेज सोर्स को ओपन करता हूँ, तो ये क्या है, सिंपल एक HTML फाइल ही है। तो ये सारी की सारी मैंने इंट्रोडक्शन आपको थ्योरी की तौर में बता दिया, लेकिन मैंने कुछ अभी आपको प्रैक्टिकल नहीं करके बताया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ताकि आपका, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप HTML सीखना चाहते हैं, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें बिल्ड हो। तो मैं आपको कोडिंग के ज़रिए नॉर्मल एक वेब पेज बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम वेब पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HTML की वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है। एक हमारे पास सिंपल, ये देखिए हर एक विंडो में नोटपैड तो होता ही है, हमें चाहिए एक कोड एडिटर, तो हम नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो जो टैग्स मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम टैग्स यूज़ करेंगे। और एक हमारे पास होना चाहिए ब्राउज़र, जिसे जहाँ पे हम देख सकें कि हमने जो कोडिंग की है वो कैसे एक वेब ब्राउज़र पे शो होगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गूगल क्रोम। तो अब मैं आपको करके बताता हूँ इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट होती है। ये HTML का आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या होता है। ये देखिए, इसमें सारा काम, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML में टैग्स से होता है, ये मैंने HTML का टैग ओपन किया और ऐसे बैक स्लैश लगाकर HTML का टैग क्लोज कर दिया। और उसके बाद एक आता है हेड टैग, मैंने ये देखिए हेड टैग ओपन किया और हेड टैग ऐसे क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक टाइटल टैग लेता हूँ जो हमारा वेबसाइट का टाइटल शो करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि टाइटल क्या होता है। ये मैंने टैग यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेड टैग के बाद यहाँ पे एक टैग स्टार्ट करता हूँ बॉडी। आप घबराइए नहीं, इन सभी टैग्स के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, मैं इस वेब पेज को सेव करने जा रहा हूँ, फाइल सेव एज, और मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ HTML नाम का, या कोई भी मैं लिख देता हूँ वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस अपने पेज को सेव करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट का होम पेज हो, अगर कोई मेरी वेबसाइट को ओपन करे तो सबसे पहले ये मेरा पेज ओपन हो। तो मैंने इसे क्या किया, index.html नेम दे के सेव कर दिया। तो ये देखिए, अब मैं इस पेज को ओपन करूँगा, ये हमारा इंडेक्स का पेज बन गया। मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला वेब पेज आ गया। लेकिन अभी ये सारा का सारा पेज खाली है, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इस पेज पे कुछ किया, कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए, जो ये जो टाइटल आ रहा था, हमने टाइटल टैग दिया है, टाइटल यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्लोज किया, उसके अंदर हमने लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं, मैंने उस पेज को ओपन किया तो यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट,
ऐसे ही जैसे ये क्रिकेट की वेबसाइट में उन्होंने इस पेज के टाइटल पे क्या लिखा होगा, क्रिकेट आर्चिव्स स्कोर कार्ड सीजन। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका आपको सोर्स बताता हूँ। ये देखिए, राइट क्लिक करके मैं पेज सोर्स पे जाता हूँ और आप ये देखिए टाइटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज हुआ, और जो भी उन्होंने इस टैग के बीच में लिखा है क्रिकेट आर्चिव स्कोर कार्ड्स वगैरह, वो सारा कुछ, सारा का सारा मैटर यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम अपने वेब पेज पे टाइटल दे सकते हैं, और उसके बाद जो भी ये टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर, इस पेज के अंदर, वो सारा का सारा मैटर उन्होंने बॉडी टैग में लिखा है। जैसे ये देखिए, मैंने आपको बॉडी टैग लगाकर बताया था, यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज किया, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। ये देखिए, मैं अगर कुछ भी मैटर लिखता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर जाकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे जो भी मैटर हमने बॉडी टैग में लिखा वो शो हो गया। इसका मतलब है कि जो भी हम अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, वो सारा का सारा मैटर हमें कहाँ पे लिखने पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है आ गया। मैं अब आपको क्या करके बताता हूँ, वो वहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे हम उन्होंने वेब पेज पर जे लगाया था टेक्स्ट, मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ। मैंने इसे सेव किया और अब मैं जो चेंजेस हैं वो देखना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आकर उसे रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज का मैटर आ गया। उसके बाद मैं आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आप वेब पेजेस पे क्या होता है, इमेजेस भी लगी होती हैं, तो मैं आपको एक इमेज सिंपली लगाकर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भी वेबसाइट्स ऐसे बनती हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट सीखने के लिए ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, मैं इमेज सेव करता हूँ, मैं इसे अपने फोल्डर में रखूँगा। जैसे देखिए, हमने फोल्डर रखा था, वेबसाइट का फोल्डर बनाया था हमने, यहाँ पर मैं एक फोल्डर इसके अंदर बना लेता हूँ इमेजेस नाम का। आप जो भी इमेजेस बनाना यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, आप उसे एक फोल्डर में रख सकते हैं। मैं इसे नेम दे देता हूँ क्रिक और मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये इमेज आ गई है, और मैं इस इमेज को अपने वेब पेज में लगाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम वेब पेज पर इमेज लगा सकते हैं। ये इमेज मैं अब आपको लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कोडिंग में गया और मैं चाहता हूँ कि हमारी हमारे पेज में इसके बाद इमेज शो हो, तो मैं क्या करूँगा, इस मैटर के बाद, सीज़न के बाद, मैं यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करूँगा। इमेज लगाने के लिए IMG टैग यूज़ होता है, उसके बाद SRC, यहाँ पे हम उसका सोर्स देते हैं कि वो हमारी इमेज है वो कहाँ पर पड़ी है। इमेजेस हमारी पड़ी है इमेजेस नाम के फोल्डर में, उस इमेज का नाम है crick.jpg। हमें उस फाइल का एक्सटेंशन भी देना पड़ता है। आप देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी पास जो फाइल है जो है वो jpg है, तो उसका नाम है क्रिक और वो मेरे इमेजेस नाम के फोल्डर में पड़ी है। तो मैंने उसे सारा का सारा पाथ बता दिया, सोर्स बता दिया कि इमेजेस नाम के फोल्डर में क्रिक नाम की पिक्चर है जिसकी एक्सटेंशन jpg है, वो यहाँ पर हमारे वेब पेज पर शो करें। और इमेज का टैग है या यहाँ पे ऐसे ही क्लोज यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए, मैंने बैक स्लैश लगाई और उसे एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी इस वेब पेज पे इमेज आ गई। तो नॉर्मली सिंपली वेबसाइट में क्या होता है, यही कुछ होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है और इमेजेस होती हैं। ये देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट हैं और इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं और कुछ लिंक्स हैं। ये सारा कुछ आगे मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आप इस टैग्स के बारे में फिक्र मत कीजिए, अभी मैं आपको आने वाले टैग्स में एक एक टैग के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो जो भी बनाऊँ उनसे, उनके साथ आप कनेक्ट रह सकें। मेरे इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।